गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ रेखा तिवारी फ्रॉम डेटन पब्लिक स्कूल बक्सर. आई टीच इन हिंदी क्लास UKG. जैसा कि पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था स्वर और उस व्यंजन. पिछले क्लास में मैंने स्वर और व्यंजन पढ़ाया था और संयुक्त व्यंजन, और अब मैं स्वर और उसकी मात्राएं आप लोग को बता रही हूँ. सबसे पहले आप लोग कॉपी निकाल लीजिए. अब देखिए यहाँ पे मैंने स्वर लिखा है, स्वर और मात्रा, ठीक है. जैसा कि पिछले वीक में मैंने बताया था स्वर अ से अह तक होता है. अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ए, ओ, अ, अम, अह. ये हमारा अ से अह तक स्वर हो गया. अब इसकी मात्रा, अ का मात्रा कुछ भी नहीं होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ शब्द की कोई भी मात्रा नहीं होती है. आ, आ की मात्रा कोई भी व्यंजन लिखने के बाद में एक लाइन होता है. कोई भी हम व्यंजन लिखेंगे उसके बाद एक लाइन लगाने को हम आ की मात्रा बोलते हैं. छोटी व्यंजन से पहले, व्यंजन लिखकर उसके पहले ऐसे लगाने की छोटी बोलते हैं. बड़ी व्यंजन के बाद, छोटा उ, उ नीचे, बड़ा उ नीचे में उल्टा, री नीचे में सी, छोटी सी सी. कोई भी व्यंजन के नीचे छोटी सी सी की मात्रा लगाने को री की मात्रा बोलते हैं. ए, एक ऊपर, ए दो ऊपर, ओ एक नीचे और एक ऊपर, ओ एक नीचे दो ऊपर, अम एक ऊपर बिंदी, और अ दो नीचे बिंदु. ये अ से अह तक की मात्रा है. अ की मात्रा कुछ भी नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा. आ का मात्रा एक लाइन, ये आप लोग अच्छा से इसके सामने सामने होनी चाहिए. इसके सामने ये लिखिए, इसके सामने ये लिखिए, और सुंदर सुंदर राइट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा. और आप लोग को अगले सप्ताह में हम इससे स्वर से और स्वर की मात्रा से बना हुआ शब्द में बतलाऊंगी. होमवर्क में आप लोग एक पेज सुंदर सुंदर राइटिंग लिखिएगा. धन्यवाद.